गच्छामि तारं भेतारं कर्म भूयाम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पाठशाला में कल चार सूत्रों का अर्थ हमने बताया था। पहले सूत्र में चार निक्षेपों का वर्णन था, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। निक्षेप माने जिनसे लोक व्यवहार चलता है। उसके बाद शेष तीन सूत्रों में जीवाभिसार तत्वों को और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जानने के उपायों का वर्णन था। अगर सामान्य से जानना हो तो प्रमाण नये अधिगम, प्रमाण और नये से ज्ञान होता है। विशेष जानना हो तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से होता है। और बहुत ही विस्तार से जानना हो तो सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व, इनसे भी जीवादिक तत्वों का तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान होता है। तत्वार्थ सूत्र के इस अध्याय में पहले चार सूत्र तक सम्यक दर्शन की चर्चा हुई। उसके बाद अगले चार सूत्रों में जो कल हमने आपको पढ़ाए थे उनमें जानने के उपायों की चर्चा हुई। अब आज से अब सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी। आइए सूत्र शुरू करते हैं। मति श्रुता वधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्। उनकी चर्चा इसमें है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांच प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। मति श्रुतावधि, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान पांच प्रकार का होता है। आइए पांच प्रकार के ज्ञान को हम समझें। इनका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जीव या आत्मा के गुण हैं। ज्ञान गुण को अगर नहीं जानेंगे तो जीव की पहचान कैसे हो पाएगी, इसलिए हमें इनको अच्छी तरह समझना है। पहला ज्ञान है मति ज्ञान, अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं मति ज्ञान। दूसरा श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, इसका नाम श्रुत ज्ञान है। परिभाषाएं तो याद करनी पड़ेंगी, परिभाषा याद नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत करें और परिभाषाएं याद करें। तत्वार्थ सूत्र में बहुत परिभाषाएं दी हैं, इसीलिए कहते हैं तत्वार्थ सूत्र का अच्छी प्रकार ज्ञान कर लिया तो सभी शास्त्रों में प्रवेश आसानी से हो जाता है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की परिभाषा, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय और मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा से रूपी पदार्थों को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। एक बार फिर सुने परिभाषा, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसका नाम अवधि ज्ञान है। चौथा ज्ञान है मनःपर्यय ज्ञान। जो ज्ञान दूसरे के मन को जाने और मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानता है उसे कहते हैं मनःपर्यय ज्ञान। फिर समझिए जरा, जो ज्ञान दूसरे के मन को जानकर
मन में चिंतित पदार्थ को जानता है उसे मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान की तो महिमा ही न्यारी है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ बिना क्रम के स्पष्ट जानता है, आत्मा से जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। आइए थोड़ा और सरलता से देखते हैं। मतिक ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मतिक ज्ञान है। आपने जाना ये तत्वार्थ सूत्र है मतिक ज्ञान। आपने जाना ये मेज है मतिक ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हुआ उसको और विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। जैसे ये आपने देखा तत्वार्थ सूत्र है मतिक ज्ञान। तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं, उन अध्यायों में क्या क्या वर्णन है, उन सब का ज्ञान होना इसका नाम है श्रुत ज्ञान। और उदाहरण दूसरा ले लें। सामने आपने देखा एक पंखा टका हुआ है, यह पंखा है मतिक ज्ञान। यह पंखा कितने रुपए का आया होगा, कितना पुराना हो गया, आवाज क्यों कर रहा है, इत्यादि वस्तुओं का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, आपने जब चरित्र या कथाएं पढ़ी होंगी जैन धर्म के शास्त्रों की, प्रथमा युग पढ़ा होगा, पद्म पुराण, आदि पुराण आदि, उनमें जगह जगह ऐसा प्रकरण आता है कि उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से राजा ने अपने पूर्वभव पूछे। तो अवधि ज्ञान क्या करता है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा से स्पष्ट जानता है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज या अवधि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं, आप उनसे प्रश्न करें, मैं कल कहाँ था, पूर्व भव में कहाँ था, अगले भव में कहाँ जाऊंगा, अगर उनके ज्ञान की मर्यादा है तो वो आपको स्पष्ट बता देंगे, पहले आप इस गति में थे, इस शहर में थे, इस नाम से थे, अब आगे इस जन्म के बाद में उस गति में, उस स्थान पर, इस रूप में, इस पर्याय में उत्पन्न होंगे। ये काम अवधि ज्ञान का है। ये अवधि ज्ञान इंद्रिय मन से नहीं होता, ये आत्मा से होता है। चौथा ज्ञान है मनःपरेय ज्ञान। आपने एक उदाहरण सुना होगा, सैनिक महाराज बौद्ध थे, जैन मुनियों से उन्हें बिल्कुल भी लगाव नहीं था। एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जंगल में एक सांप को मार के एक मुनि महाराज बैठे थे यशोधर महाराज उनके गले में डाल दिया, डाल के आगे और अपनी रानी चेलना को बोले, आज तुम्हारे महाराज एक जंगल में मिले थे तो मैंने एक सांप को मार के उनके गले में डाल दिया। चेलना बड़ी दुखी हुई, दुखी हुई, बोले आपको ऐसा नहीं करना था, आप फौरन चले, मैं देखती हूँ कहाँ पे क्या है। चेलना उनके साथ आई, उनने देखा कि वे गुण महाराज वहीं थे। जब घर से चली थी चेलना सैनिक महाराज के साथ, तब सैनिक महाराज ने कहा था वो अपने गले से सांप को फेंक के चले गए होंगे, वहां कौन है, कहाँ जा रही हो तुम। चेला ने कहा था अगर वे वास्तव में सच्चे मुनि महाराज हैं तो आज भी वही होंगे, मैं वहां जरूर चलूंगी। और वहां जाके उन्होंने क्या देखा, उनके गले में सर्प पड़ा हुआ था, तमाम चींटियां उनके शरीर पर चल रही थी। चेला ने विभिन्न युक्ति पूर्वक उन सब चींटियों को वहां से हटाया, जब चींटी हट गई तब उस सर्प को भी वहां से निकाल के फेंका, जब निकाल के फेंक दिया, उपसर्ग दूर हो गया, तब यशोधर महाराज ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने चेलना ने जब नमोस्तु किया,
श्रेणिक महाराज ने भी नमोस्तु किया, उनको उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। श्रेणिक महाराज को अपने पे बड़ी ग्लानी हुई, देखो तो सही, मैंने तो इनका कितना अनिष्ट किया, इनके गर्दन में मैंने मरा हुआ सांप डाला, इनको जरा भी नाराजी नहीं। अपने पे इतनी ग्लानी हुई कि उन्होंने, उनका मन हुआ कि मैं अपना सिर अभी काट लूं। इतना सोच के उन्होंने अपना हाथ अपनी तलवार की ओर बढ़ाया। वे जो मुनि महाराज थे वे मन परिय ज्ञानी थे, उन्होंने उनके मन की बात को जान लिया कि ये अभी तलवार लेके इनके मन में आया है कि मैं अपना गला काट लूं। उन्होंने फौरन उनको बोला, सैनिक अपने हाथ से, अपना हाथ तलवार से हटाओ, अपने गले, अपने गले काटने की बात मत सोचो। सैनिक आश्चर्यचकित हो गए कि इन्होंने मेरी मन की बात कैसे जान ली। तो ये मन की बात जानने वाला ज्ञान कौन सा हुआ? मनपरीय ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान, जिस ज्ञान से कुछ भी शेष ना बचे, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं केवल ज्ञान। सब कुछ जानता है क्रम से नहीं जानता, एक साथ जानता है, आत्मा से जानता है, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान किनके होता है? ये अरहंत परमेष्ठी भगवान के होता है। वे केवल ज्ञानी होते हैं, उनके ज्ञान से कुछ बचा नहीं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान पांच प्रकार का होता है। थोड़ा रिवीजन कर लें। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। जो मति ज्ञान हुआ उसके बारे में और विशेष ज्ञान होना श्रुति ज्ञान है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से इंद्रिय मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को जानता है अवधि ज्ञान है। दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जो जानता है वो मनपरीय ज्ञान है। और जिस ज्ञान से कुछ भी नहीं बचा उसका नाम केवल ज्ञान है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान पांच प्रकार का होता है। पंडित जी, वर्तमान में अभी हमारी आत्मा में कौन कौन से ज्ञान है? हमारी आत्मा में इस समय दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। पर इनके बारे में भी एक बात और समझनी होती है। ये मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये झूठे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे मति और श्रुत ये दो ज्ञान हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारे कुमति और कुश्रुत ये दो ज्ञान हैं। इस तरह वर्तमान में हमारे पास दो ज्ञान हैं। वर्तमान इस अवसर्पणी के पंचम काल में भरत क्षेत्र में अभी सिर्फ दो ही ज्ञान है, अन्य तीन ज्ञान संभव नहीं। हाँ, जब कल्कि का समय आएगा उस समय जो मुनि महाराज होंगे उनको अंतर्मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान होगा, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बाकी अन्य जीवों को अवधि ज्ञान होने का उल्लेख नहीं मिलता। वर्तमान में मात्र दो ही ज्ञान है और तीन ज्ञान नहीं। किस गति में और कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं? नरक गति, त्रिंच गति और देव गति में तीन ज्ञान हो सकते हैं, मति, श्रुत और अवधि। मनपरीय ज्ञान और केवल ज्ञान ये केवल मनुष्य गति में ही संभव है, वर्तमान में नहीं है। ये बात दूसरी है। दो ज्ञान ऐसे हैं, मति और श्रुत, जो इस संसार के प्रत्येक जीव के होते हैं। जीव माने आत्मा, और आत्मा का गुण है ज्ञान दर्शन। निगोलिया जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे चींटी हो, चाहे चिड़िया हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्येक जीव के होगा, सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि। इसलिए दो ज्ञान हमेशा पाए जाते हैं। आपने पांच ज्ञान बताए, तो इन पांच ज्ञानों में से मोक्ष मार्ग के लिए कौन कौन से उपयोगी ज्ञान है? मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी ज्ञान मति और श्रुत। आचार्यों ने अवधि ज्ञान और मनपरीय ज्ञान को मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं माना।
केवल ज्ञान तो कर साक्षात मोक्ष पहुंचाने वाला है ही, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाले ज्ञान दो हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये मोक्ष मार्ग में बहुत उपयोगी है। एकेंद्रिय जी, जैसे पेड़, इनमें भी तो दो ज्ञान होते हैं, तो फिर इनमें दो ज्ञान कैसे सिद्ध कर पाएंगे? पेड़ में एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उसके मति ज्ञान है और तत् संबंधी उनके श्रुति ज्ञान है। आजकल विज्ञान ने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि पेड़ में जीवत्व है। अब विज्ञान ने और भी बहुत सी बातें सिद्ध की आगे। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि अगर पेड़ के पास लकड़हारा पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लाके रखता है तो पेड़ में भयंकर कंपन जैसे परिणाम अंदर होते हैं। और अगर पेड़ के पास उसका जो माली है वो खुरपी आदि लाके रखता है और उसके चारों ओर व्यवस्था बनाता है, खुरपी लाके रखता है, तो पेड़ में हर्ष प्रसन्नता जैसे परिणाम होते हैं। इसका मतलब उसने मति ज्ञान से जाना क्या वस्तु और इसका नतीजा क्या होगा। जब इसको जाना उसे हमने बोला श्रुति ज्ञान, और श्रुति ज्ञान के कारण उसमें भय और कंपन होता है, ये श्रुति ज्ञान हुआ। यद्यपि स्पष्ट ज्ञान में नहीं आता, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने जब ये लक्षण सामने रखे अपने अन्वेषण से स्पष्ट किए हैं तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पेड़ में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। अब अगले सूत्र को देखते हैं। तत् प्रमाणे, प्रमाणे बोलिए, प्रमाणे। तत् माने वह पांच प्रकार का ज्ञान, प्रमाणे द्विवचन है, दो प्रमाण रूप है। तत् प्रमाणे वह पांच प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। प्रमाण के भेद हमने आपको पहले बताए थे, एक परोक्ष और प्रत्यक्ष। प्रमाण के दो भेद बताए थे। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं ऊपर जो पांच प्रकार का ज्ञान हमने बताया, मति श्रुति अवधि मनःपरेय और केवल ज्ञान, ये पांच प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। तत् प्रमाणे अर्थात पांच, तत् माने वह पांच प्रकार का ज्ञान जो पहले सूत्र में बताया गया, प्रमाणे वह दो प्रमाण रूप है, इस सूत्र का यह अर्थ होता है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आदे परोक्षम, आदे परोक्षम बोलिए, आदे परोक्षम। आदे का मतलब होता है आदि के दो ज्ञान। आदि माने आदि के दो ज्ञान, परोक्षम परोक्ष ज्ञान है। पांच ज्ञान कौन कौन से बताए थे, मति श्रुति अवधि मनःपरेय और केवल ज्ञान। यहाँ आचार्य कह रहे हैं आदि, आदि के दो ज्ञान अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। अर्थात ये दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से, प्रकाश आदि की सहायता से वस्तु को जानते हैं। परोक्ष ज्ञान जो पर की अपेक्षा रखते हैं वे ज्ञान परोक्ष हैं। ये आत्मा से डायरेक्ट नहीं होते, ये इंद्रियों मन से होते हैं। अब जैसे मान लो हमें अपनी आंख से कुछ दिख रहा है, अभी आप टीवी देख रहे हैं, मान लीजिए एकदम अंधेरा हो जाए तो आपकी आंख कुछ देखेगी? कुछ नहीं। क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि आपको जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, प्रकाश आदि की सहायता नहीं मिलेगी तो आंख नहीं जानेगा। इसलिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया आदि के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, आदि परोक्षम अर्थात मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से, प्रकाश आदि की सहायता से होते हैं। दो प्रमाण रूप है प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष में उन्होंने कह दिया आदि परोक्षम। अब शिष्य ने फिर प्रश्न किया, महाराज तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन है? तो उन्होंने आगे का सूत्र लिखा, प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत बोलिए, प्रत्यक्ष मन्यत।
अन्य माने शेष, अन्य माने बाकी के बचे हुए ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञान के पांच भेदों में दो भेद परोक्ष ज्ञान के हो गए, अब बचे शेष तीन, अवधि मन परिय और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष मन्यत अन्यत माने शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, अर्थात वे इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होते। आप अगले सूत्र को देखते हैं। मते ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम्। मते स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम्। फिर बोलो। मते स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम्। इस सूत्र में आचार्य ने क्या बताया है कि मति ज्ञान के कुछ पर्यायवाची नाम भी हैं, अर्थात मति ज्ञान को किन किन और शब्दों से और नामों से पुकारा जाता है। सूत्र का अर्थ है मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अग्निबोध। ये क्योंकि ऊपर से मति ज्ञान का विषय चल रहा है ना, ये इति अनर्थांतरम् अर्थात ये पर्यायवाची शब्द है, अर्थात मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो या अग्निबोध कहो, जैसे आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवले धवला में मति ज्ञान की बजाय अग्निबोधि ज्ञान कहा है, तो उसे अग्निबोध कह लो तो भी उसका नाम मति ज्ञान होता है। क्या अर्थ बना? मति ज्ञान के कुछ पर्यायवाची नाम भी हैं, यहाँ कौन कौन से कहे हैं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। अगला सूत्र देखते हैं। तदिंद्रियानिन्द्रिय निमित्तम्। तदिंद्रियानिन्द्रिय निमित्तम्। बोलिए। तदिंद्रियानिन्द्रिय निमित्तम्। इस सूत्र का थोड़ा संधि विच्छेद हम देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, सूत्र आपके समझ में आ जाएगा। संस्कृत में अगर आपने संधि विच्छेद सीख लिया, थोड़ा समझ लिया, तो शब्दों का, सूत्रों का या श्लोकों का अर्थ समझने में बहुत अच्छी आसानी हो जाती है। तो मैं इस सूत्र को आपको संधि विच्छेद करके समझाता हूं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस सूत्र का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे? तत्व इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। सूत्र यह है, देखो, तदिंद्रियानिन्द्रिय निमित्तम। अब इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया, तत्व इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। तत् माने वह मति ज्ञान, क्योंकि यहां मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। तत् माने वह मति ज्ञान, इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन, इनके निमित्तम इनकी सहायता से होता है। संधि विच्छेद करने से सूत्र समझ में आ जाता है। क्या अर्थ हुआ? तत् माने वह मति ज्ञान, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण पांच इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन, इनकी सहायता से होता है, अर्थात पांच इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान मति ज्ञान होता है। इस प्रकार सन्निमित्त की अपेक्षा से मति ज्ञान के छह भेद हो गए, पांच इंद्रिय और एक अनिंद्रिय मन से होने वाला ज्ञान। हमारे हम सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, हमारे इंद्रिय से भी होता है और मन से भी होता है। हम मन से अभी कुछ सोचने लगे तो मन से होने वाला ज्ञान, आंख से देखा आंख से होने वाला ज्ञान, कान से सुना कान से होने वाला, ये सब मति ज्ञान। तो सैनी पंचेंद्रिय जीव के तो पांच इंद्रिय और मन इन छह से होगा, और अगर मान लीजिए दो इंद्रिय लट है उसके कैसे होगा? उसके मन तो है नहीं, उसके केवल दो इंद्रिय स्पर्शन और रसना, इन दो इंद्रियों से होगा। तो मति ज्ञान
वह मति ज्ञान पांच इंद्री और मन की सहायता से होता है। अगला सूत्र देखें, अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रहे हावाय धारणा। बोलिए अवग्रहे हावाय धारणा। इसमें मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है ये बात बताई है। पहले सूत्र में बताया था कि मति ज्ञान किन के द्वारा होता है, पांच इंद्रिय मन से, छह से होता है, उनकी सहायता से होता है। इस सूत्र में ये बताया है मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है। सूत्र का संधि विच्छेद जरा देखेंगे ना तो आपके समझ में सूत्र अच्छे प्रकार आ जाएगा। सूत्र देखें, अवग्रहे हावाय धारणा। इसका संधि विच्छेद अवग्रह यहा अवाय धारणा। अवग्रह यहां से निकला यहा और यहां से अवाय और धारणा, अर्थात मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है, अवग्रह यहा अवाय और धारणा। मति ज्ञान चार प्रकार का होता है, अवग्रह यहा अवाय और धारणा। मति ज्ञान के चार भेदों का वर्णन इस सूत्र में है। हम संसारी जीवों के बारहवें गुणस्थान तक अर्थात केवली बनने से पूर्व तक जब भी ज्ञान होता है तब दर्शन पूर्वक होता है। दर्शन क्या होता है, ज्ञान के लिए आत्मा का जो प्रयास, जो उसके ज्ञान के लिए जो आत्मा का एफर्ट होता है उसे हम कहते हैं दर्शन। दर्शन में क्या होता है, दर्शन में आत्मा का प्रयास तो होता है लेकिन जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक उसे हम कहते हैं दर्शन। एक एग्जाम्पल से ले लें, पीछे मेरे पीछे कुछ ऊपर से गिरा, मैंने अपना सिर पीछे घुमाया, घुमा के देखा क्या है, तो जब तक मैंने सिर घुमाया और मुझे वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ी तब तक दर्शन। और जब वस्तु का पहला ज्ञान हुआ, प्रथम ज्ञान हुआ, तब हम कहेंगे अवग्रह। और अच्छी तरह समझे, दर्शन में कहते हैं कुछ है और कुछ क्या है उसको जानने के लिए जो ज्ञान मतलब प्रयास हुआ, कुछ है हुआ तो जानने की कोशिश की, तो जब पहला उस विषय पे उस वस्तु पे हमारा दृष्टिपात हुआ तब हमें हुआ अवग्रह। अवग्रह में क्या हुआ, कुछ काला सा है, हम कहीं जंगल में जा रहे हैं, हमने सामने से देखा कुछ काला सा है, ये कहलाता है अवग्रह। इहा का मतलब अवग्रह हो जाने के बाद और जिज्ञासा होना, ये काला सा क्या है, क्या ठूंठ है या कोई आदमी है, इहा। अब हमने देखा उनके हाथ पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये तो आदमी है। और धारणा अवाय में क्या हुआ, निर्णय हो गया। धारणा में निर्णय को कालांतर में नहीं भूलना, इसका नाम है धारणा। फिर एक बार देखें, दर्शन के बाद सबसे पहला ज्ञान कुछ काला सा है, अवग्रह, या तो आदमी है या ठूंठ है, इहा के बाद और आगे बढ़े, निर्णय हो गया ये तो हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, आदमी ही है। और धारणा ये तो वही व्यक्ति है जो परसों मंदिर जी में आया था, अर्थात अवाय या निर्णय को कालांतर में नहीं भूलना, इसका नाम धारणा।